सपा कांग्रेस में संगठन चुनावों का घमासान 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अशोक चांदना की जगह नया अध्यक्ष आने की कवायद शुरू हो चुकी है। 18 से 21 फरवरी के बीच मतदान होगा। दिग्गज युवा नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने ताल ठोक रखी है। बीते 7 सालों से अशोक चांदना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब उनकी जगह नए युवा अध्यक्ष के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूथ कांग्रेस के अंदर चुनावों का आगाज हो गया है और युवा दिग्गजों ने कमर कस ली है। विधायक भी अध्यक्ष बनने की दौड़ में आ गए हैं। यूथ कांग्रेस के 4 फेज में चुनाव होंगे। इसके लिए 1 से 5 फरवरी के बीच नामांकन होंगे, फिर 7 और 8 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 9 फरवरी को सिंबल अलॉटमेंट होंगे, 10 फरवरी को इलेक्शन प्लानिंग होगी, 18 से 21 फरवरी के बीच मतदान होगा। सत्ताधारी दल के राज्य में हरावल दस्ते यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कम बात नहीं है। पवन गोदारा पहले निर्वाचित यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। राजस्थान से ही यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव सिस्टम का आगाज हुआ था। खुद भंवर जितेंद्र सिंह ने मतगणना के दौरान बैलेट पेपर गिने थे। अभी मोटे तौर पर अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार नजर आ रहे हैं। इसमें मुकेश भाकर का नाम शामिल है। मुकेश अभी कांग्रेस के विधायक हैं और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। भाकर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जाट और नागौर है।